वेलकम दोस्तों, हम लोग अभी हिस्ट्री कर रहे हैं, चैप्टर पॉल साइंस कर रहे हैं, चैप्टर 4। टॉपिक है हमारा एग्जीक्यूटिव, क्लास 11 के लिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द अपीलिएशन राज प्रमुख वॉज ओमिटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द, बोलता है कि किस अमेंडमेंट के तहत ये जो शब्द है राज प्रमुख ये हटाया गया। ईयर दिया हुआ है 4th Amendment 1955, 6th Amendment 1956, 7th Amendment 1956, 10th Amendment 1961। तो इसका सही जवाब है 7th Amendment 1956 में इस चीज को हटा दिया गया, इस वर्ड को। Who acts as a link between public and government? जनता और सरकार के बीच में लिंक, कड़ी का काम कौन करता है? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो करता है। पार्लियामेंट में तो आप चुन करके भेजते हो, रिलीजियस लीडर्स का फील्ड ही अलग है, और जो जुडिशियरी है तो मालूम ही है कि जो कोई भी लॉ को ब्रेक करेगा तो फिर वहां पर जुडिशियरी का आता है फंक्शन। द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एंजॉयड बाय, बोलता है किन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे सबसे ज्यादा दिन का कार्यभार निभाया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा है। द इलेक्ट्रोल प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल, बोलता है किसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन्ड है, तो वो आर्टिकल 66 जो है उसमें इसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इसका जिक्र है और कैसे होगा वो सारा कुछ है। क्वेश्चन 5, द कैबिनेट हैज अ सेक्रेटारियट अंडर, बोलता है कि कैबिनेट के पास एक सेक्रेटारियट होता है और सेक्रेटारियट को देखने के लिए कौन है, तो सेक्रेटारियट को देखने के लिए सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो देखते हैं सारा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 terms, बोलता है कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर दो बार अपना कार्य किया है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के नाम पे इन्हीं के बर्थडे वाले दिन हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। पढ़ रहे थे तो इनके पढ़ने में काफी अच्छे थे, होशियार थे, तो इनके दोस्तों ने कहा यार तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो तुम विदेश क्यों नहीं जाते हो पढ़ने के लिए, तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हम विदेश जाएंगे, जरूर जाएंगे, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए। और बाद में ये विजिटिंग प्रोफेसर बने थे और फिलोसफी के, इंडियन फिलोसफी के बहुत विद्वान व्यक्ति, और बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। द पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज, बोलता है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसका पोजीशन कैसा है, तो लाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट, लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, लाइक द पाकिस्तान प्रेसिडेंट, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो ब्रिटिश मोनार्क है उनकी तरह है इंडिया में प्रेसिडेंट का पोजिशन। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय, प्रेसिडेंट को रिमूव करना उतना आसान काम है नहीं, उसके लिए पूरा ड्यू प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, और इम्पीचमेंट के थ्रू हटाते हैं, लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग होगा और उसमें 2/3 majority से बोलेंगे कि हमें ये इन पे आपत्ति है, तब आप उनको हटा सकते हैं। वैसे भारत में जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जो कोई भी रहे हैं वो सभी बहुत सम्मानित, बहुत सुयोग्य और बहुत लेजेंडरी पर्सनैलिटीज रहे हैं, तो उनको हटाने का क्या है, वैसे जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। क्वेश्चन 9, इन इंडिया एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द, अगर आप स्टेट लेवल पे बात करोगे तो चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल होगा, साथ में गवर्नर होगा, गवर्नर देखेंगे सारी चीजों को। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। द इंडियन प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर, बोलता है दोनों हाउस की जो ज्वाइंट सिटिंग होगा उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो उसके लिए आर्टिकल 86। क्वेश्चन 12, जापान हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द हेड ऑफ द स्टेट एज, तो उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एम्परर होते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बोलता है एग्जीक्यूटिव का मुख्य कार्य क्या होता है। The executive is the very important organ of the 3 organs of the government. Government के जो 3 organ हैं, executive है, judiciary है, legislature है, उसमें executive का
जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट दैट इज इट इंप्लीमेंट्स द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। द एग्जीक्यूटिव मेक्स एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेन द एक्सटर्नल रिलेशन। सिक्योरिटी भी देखते हैं और एक्सटर्नल रिलेशन भी देखते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का टाइप पूछ रहे आपसे। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच इंक्लूड द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स एंड मोनार्क। उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स होते हैं और साथ में मोनार्क अगर कहीं पर मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है वो। Another main executive is the permanent executive which includes administrative machinery like civil servants who are responsible for making and implementing the government policies and programs। ये सरकार की नीतियां और जो कार्यक्रम है उनको बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। In India, presidents जो है वो nominal head होते हैं लेकिन prime minister जो है वो real executive होते हैं। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। राइट फोर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बोलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चार फीचर लिखो। तो पहला जो है दो टाइप का एग्जीक्यूटिव है, एक है नॉमिनल दूसरा है रियल। दूसरा फीचर है द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एज अ रियल हेड क्लास रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होते हैं और वो लिंक करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव इन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव। जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल होमोजेनियटी है और अनसर्टेन टेन्योर है। डिसॉल्व हो गया बीच में तो हट जाएगा। राइट फोर फीचर्स ऑफ प्रेजिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेजिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के चार फीचर आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला है सिंगल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट एज द रियल हेड। द सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां पर ये इस टाइप की बात है और वहां पर टेन्योर जो है वो डेफिनेट होती है। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। बोलता है एग्जीक्यूटिव इन इंडिया का कंपोजिशन बताओ। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है और सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है। इंडियन प्रेसिडेंट इज चीफ एग्जीक्यूटिव। इट इज एन इलेक्टेड पोस्ट बिकॉज इंडिया इज रिपब्लिक। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया और उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम जो चुन के भेजते हैं लोकसभा में राज्यसभा में वहां से वो इलेक्ट्रोल कॉलेज बनाते हैं और वो इलेक्ट्रोल कॉलेज जो है उसको अपॉइंट करता है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बिकम इंडियन प्रेसिडेंट। यहाँ नीचे जो है आपको इंडियन प्रेसिडेंट बनने के क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। क्या क्या है। ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि भारत में एकमात्र महिला प्रेसिडेंट कौन हुई थी, आप बता सकते हैं। या अगर मैं पूछूं भारत में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन हुई थी, आप बता सकते हैं। तो इसलिए ही और शी दोनों लिखा हुआ है, जवाब कमेंट में दीजिएगा। ही शुड बी ऑफ द एज 35 और अबव। उनकी आयु 35 या 35 से अबव होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। उनको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और उन्हें किसी लाभ के पद पे नहीं होना है। How the Prime Minister of India is appointed? Prime Minister is the real head in India. He is the leader of minister. He is appointed by the President of India. The person who is elected leader of the majority party in the election is appointed as Prime Minister by the President of India. यही था दोस्तों, थैंक यू।